नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सिंह है भाई। आप लोग देख रहे हो टिप्स एंड टॉक भाई साहब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू रिमूव अनओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम फेसबुक प्रोफाइल और पेज। फेसबुक प्रोफाइल पे अगर अनओरिजिनल कंटेंट का वायलेशन आया हुआ है, चाहे पेज पर आया हुआ है, आसानी से कैसे हटा सकते हो, बिल्कुल तथ्य पे बात करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा भाई। और आपको मैं एकदम, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अनओरिजिनल कंटेंट को आप किस तरह आसानी से हटा सकते हो अपने प्रोफाइल से, अपने पेज से। और एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो मुझे कमेंट करके ये बोल रहे हैं, मैंने एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने ये बोला था कि भाई आप क्यों अपने वीडियो को लगातार डिलीट कर रहे हो, अनओरिजिनल कंटेंट आते ही एक साथ आप सारी वीडियो को डिलीट कर रहे हो। तो बहुत लोगों ने मेरे कमेंट में आके बोला कि भैया आप ही तो बोले थे डिलीट करने के लिए, अब आप बोल रहे हो कि आप क्यों डिलीट कर रहे हो। मैंने ये बोल रखा है कि डिलीट भी करो तो एक को डिलीट करो तो एक को अपलोड भी करो। इकट्ठे 100, 200, 500 वीडियो डिलीट कर दोगे और फिर बोलोगे भैया आप ही ने, मैंने तो नहीं कहा था कि पूरी वीडियो कॉपी पेस्ट ही डाल दो उसमें, सब कॉपी पेस्ट ही पेल दो उसमें, फिर बाद में कहो भैया कोई इल्जाम लगाओ कि नहीं भैया आपके कहने पर ही तो हमने डिलीट कर दिया। अरे भाई क्यों डिलीट कर रहे हो? अगर 500 वीडियो तुमने बना के डाल रखी है तो 500 में से अगर 10 डिलीट कर दोगे तुम्हारी रीच कहाँ जाएगी भाई? 500 वीडियो तुम इकट्ठे डिलीट कर दोगे भाई, तुम अभी अनओरिजिनल कंटेंट से परेशान हो और जितने भी वायलेशन होते ना सारे आ जाएंगे आप लोगों पे। ये बातें कब आप समझोगे मेरी बात को? किस दिन आपको समझ जाएगा? आपको सारी वीडियो डिलीट करनी है, बट क्या करना है, एक को डिलीट करो, एक को रखो, एक को अपलोड करो, एक को डिलीट करो, एक को अपलोड करो। इकट्ठे 500-500 वीडियो, 100-100 वीडियो, 200-200 वीडियो डिलीट कर दे रहे हो और बोल रहे हो यार हमारा ठीक नहीं हो रहा है। कैसे ठीक हो जाएगा ब्रदर? है भाई कभी ठीक नहीं होने वाला इस तरह। दिमाग से खेलो ना, अगर उस समय तुमने जब कॉपी पेस्ट किया था तो दिमाग से किया था ना, इस समय भी दिमाग से खेलो यार। मतलब कुछ भी, एक तो वीडियो पूरी नहीं देखते, वीडियो पूरी देखो तब तो समझ में भी आवे कि मैंने बताया क्या था वीडियो में। आए बस एक मिनट देखी, दो मिनट देखी, भैया कौन पंचायत सुने, चलो ड्रामेबाजी देखते हैं, चलो गाने सुनते हैं, चलो भाई कुछ और आया होगा बाबा जी लोगों ने, भाई और भी बाबा जी लोग हैं ना, बहुत सारी वीडियो बनाते हैं बाबा जी लोगों का, भाई आ गया, चलो वो एकदम सही जानकारी देंगे क्योंकि उनके 8 लाख सब्सक्राइबर है, 5 लाख सब्सक्राइबर है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर, क्योंकि उन्होंने ना फेसबुक के मतलब उससे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है। फेसबुक ने कॉलेज खोल रखा होगा कहीं पे जहाँ से ये लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, यूट्यूब ने भी कॉलेज खोल के रखा होगा जहाँ से ग्रेजुएशन करके आए हैं। ये जो बताएंगे बाबा जी लोग वो सही बताएंगे, बाकी कोई नया यूट्यूबर अगर आपको बता रहा है कोई चीज़, 5,000 फॉलोअर लेना मजाक नहीं है आज की डेट में। काम कर रहे होगे ना आप लोग, यूट्यूब पे काम किया होगा ना, पता लग जाएगा, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा एक एक फॉलोअर इकट्ठा करने में। ये मत सोचो कि कोई नया आया है तो वो बेवकूफ़ है, कोई पुराना है तो बहुत ज्ञानी हो गया है। अरे पहले तो जिसको कुछ काम धंधा वेला आदमी होता था ना, वो फोन उठा के भी यूट्यूब पे आता था भाई। अब तो एक पैशन बन गया इन लोगों ने, पता नहीं क्या झूठ साज बोल बोल के कि मार पैसा मार पैसा मार पैसा। कितने लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और कितने लोग फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं? 2% लोग, समझ रहे हो बात को? अब उन 2% में मैं भी आ गया हूँ, वरना 1-1.5 साल मैंने भी ऐसी हवाबाजी की। मैं भाई कहाँ चला गया, कौन सा टॉपिक था, कहाँ आ गया मैं? हाँ, अनओरिजिनल कंटेंट को कैसे हटाना है, पहले ये समझो। आपके बगल में या मेरे बगल में, सॉरी मेरे बगल में एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा और ध्यान से स्क्रीनशॉट को देखो, यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने कौन सी वीडियो गलत डाली हुई है, बता रहा है ना, टाइम बता रहा है, वीक बता रहा है, सब बता रहा है। अगर आप उस वीडियो को वहीं से डिलीट करने की कोशिश करोगे ना, साइड में आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, अगर आप वहीं से डिलीट करने की कोशिश करोगे तो वीडियो डिलीट नहीं होगी, आपको लगेगा कि फेसबुक ने खुद डिलीट कर दिया उसको, और इसी वीडियो की वजह से मुझे अनओरिजिनल कंटेंट आया है। बात तो सही है, उसी वीडियो की वजह से इनको अनओरिजिनल कंटेंट आया है, इसी भाई साहब का है, मैं इसी को मतलब लगा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, ठीक तो नहीं कर पाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, मैंने पहले बोल रखा है भाई ठीक भी नहीं करवाता मैं, तो चेक करके बता दूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे ठीक होगा। तो आप या तो यहाँ से इसको डिलीट करो, अगर यहाँ से डिलीट नहीं हो पा रहा तो आपके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई फेसबुक ने ही डिलीट कर दिया, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार कई केसेस में मैंने देखा है भाई फेसबुक डिलीट नहीं करता है, आपको खुद जाकर अपने पेज पे चाहे प्रोफाइल पे जहाँ पे आपने वो वीडियो डाल के रखी हुई है, एकदम कान खोल के आँख खोल के दिमाग खोल के सुन लो बात को भाई, जहाँ पे आपने वीडियो अपलोड करके रखी हुई है वहाँ से डिलीट करना है उसको, समझिए बात को, वहां से डिलीट करना है आपको भाई। और उसके बाद वो डिलीट होता है ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ आपका, आपको इसका लेना है स्क्रीनशॉट, इसका ले लो, अपने रिकमेंडेशन का स्क्रीनशॉट लो, वहां पे भी आपको फ्लैग कंटेंट चाहे कुछ लिख के आया होगा, चाहे वायलेशन लिख के आया होगा, कुछ तो कुछ जरूर लिख के आया होगा, अगर इस तरह आ रहा है तो भाई पसीना आने लगा। सेटअप भाई मेरा रोज ही बदल जाता है, तुम लोग जानते हो, कभी बाहर कभी कहीं, तो मैनेज करो, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मस्त सेटअप बनाऊंगा, और 10,000 हो जाए तब, अभी तो मैनेज कर लो यार। तो हाँ कहा थे हम लोग भाई, अपने रिकमेंडेशन पे, फेसबुक पेज रिकमेंडेशन पे जाके जरूर चेक करो कि वायलेशन शो कर रहा है क्या, वहाँ पे वायलेशन शो कर रहा है क्या, फ्लैग कंटेंट शो कर रहा है क्या, उसको क्लिक करके देखो कि वही वो फ्लैग कंटेंट आपको उसी वीडियो पे ले जा रहा है। भाई सबके समझ में नहीं आएगी बात, जब आप वायलेशन पे क्लिक करोगे ना,
वायलेशन पे जब क्लिक करोगे तो आपको उसी वीडियो पे रीडायरेक्ट करेगी जिस वीडियो से आपको वायलेशन आया हुआ है, जिससे आपको अनओरिजिनल कंटेंट आया हुआ है, वो वीडियो आपकी पहले से पड़ी हुई वायलेशन में, आपको अनओरिजिनल कंटेंट उसी वीडियो से आया हुआ है। आपको क्या करना है, अपने पेज में घुस जाना है, अपने प्रोफाइल में अंदर घुस जाना है। अब पता लगाना है कि ये उस पर डेट भी लिखा रहता है, उस पर दिन, अगर दिन मतलब 2-4-10 दिन के अंदर में तुमने कोई चीज़ पोस्ट कर रखी है तब तो दिन दिखाएगा, काफ़ी पहले की पोस्ट करके रखी हो, 2-3 महीना पहले की पोस्ट कर रखी है और फेसबुक के नज़र में आ गए, AI की नज़र में अब आए हो, तो वो तुमको महीना बता देगा, दिन तक बता देगा इस दिन में आपने ये पेस्ट किया हुआ है, मतलब ये अपलोड किया हुआ है, जाके डिलीट करो उसे, ठीक है, वहाँ से कर लो डिलीट। और नहीं समझ में आता है तो अपने अलर्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन देता है वो कि आपका भाई ये प्रॉब्लम है, ये कॉपीराइट आया हुआ है, ये कंटेंट ID आई हुई है किसी की, या आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपको वायलेशन दिया, वहाँ पे भी देता है, तो वहाँ भी जाओ, वहाँ भी चेक करो, बकायदे चेक करो, हवा में चेक मत करो, बकायदे उसको एनालाइज करो कि सब चीज़ इज्जत से क्लोज है कि नहीं है, कोई चीज़ ओपन तो नहीं है। और ये सारा स्क्रीनशॉट इकट्ठा करो जो आपको मिला हुआ है स्क्रीनशॉट, इसको इकट्ठा करो, जो मैंने बताया ना, जो स्क्रीनशॉट आपको दिखाए और जो आपको प्रॉब्लम, मतलब इसी को मत करने लगना, जो आपको प्रॉब्लम होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ले लो और उसको गोला बनाओ, समझ रहे हो। अब गोला कैसे बनाते हैं, तुम लोग हमारी भाषा में गोला को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई, आप लोग राउंड बना लो, चाहे टिक कर लो उसको, इधर साइड में मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, देख लेना उसको, टिक कर लो उसको, हाईलाइट करो अपनी प्रॉब्लम को भाई, कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, फेसबुक को हाईलाइट करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और बाकायदे इज्जत से एक अच्छा सा मेल लिखो, पॉइंट वाइज मेल, ऐसा नहीं लिखना है नमस्कार फेसबुक भैया ये दिक्कत हो गई बा, मैं मेल भेज रहा हूँ देख लेना चेक कर लेना, कभी जिंदगी में नहीं वहाँ से रिप्लाई आने वाला और आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली। सिस्टमेटिक मेल लिखो, बात समझो, ये होता ना कि रिस्पेक्टेड फेसबुक सपोर्ट टीम, आई हैव दिस प्रॉब्लम point number 1, आई हैव दिस प्रॉब्लम point number 2, आई हैव दिस प्रॉब्लम point number 3, आई हैव दिस प्रॉब्लम point number 4, आई हैव दिस प्रॉब्लम, मतलब सारी चीज़ों को मेंशन करो वहाँ पे, और लास्ट में लिखो सर प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें, अपने चैनल अपने जो पेज का हुआ है वो लिंक लगा दो, वहाँ पे अपने पेज का लिंक जरूर लगाना भाई, हो सके तो लोगो भी लगा सकते हो, अगर पॉसिबल हो जाए तुम्हारे पास पड़ा हो लोगों, तो लोगों का भी एक स्क्रीनशॉट लगा दो, इससे क्या होता है फेसबुक को आपको कैच करने में इजी होता है। और हमेशा याद रखना जब भी मेल करना, अंदर की बात बता रहा हूँ, जब भी मेल करना अपनी सारी वो सब वीडियो नहीं होनी चाहिए, कोई भी उल्टी सीधी वीडियो आपके पेज पे चाहे प्रोफाइल पे नहीं होनी चाहिए, वरना अभी तो अनओरिजिनल ही आया है और भी 2-4 आ जाएंगे, वो रिव्यू करेगा ना जब, और 2-4 भेज देगा आपको, और अभी अनओरिजिनल से परेशान हो बाद में और भी 2-4 चीज़ों से परेशान हो जाओगे। आई होप कि समझ रहोगे मेरी बात, आप लोग समझ रहे हो ना। कई लोग बोलते हैं कि अबे सीधे क्यों नहीं बताता अबे कि एक दिन में कैसे ठीक हो जाएगा, मेरे भाइयों ये बताओ, जो चीज़ मैं सीखता हूँ वही आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कई फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कई कुछ झगड़ा करके बैठे रहते हैं, कई कुछ करके, कई किसी का पेज ग्रो नहीं हो रहा है, किसी को फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, किसी को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अब वो फ्रस्ट्रेशन मेरे पे उतारते हैं, अबे एक दिन वाला सिस्टम क्यों नहीं बता रहा, क्या ये गोल गोल घुमा रहा है, अबे भाई बात को सुन समझा कर, एक दिन में तेरा तो 10 महीने से तू ठीक नहीं कर पाया, इधर उधर तूने सारी जगह घूम लिया, सारे यूट्यूबरों को बात कर लिया, किसी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, मेरे पास आए, अब तुमको एक ही दिन में ठीक करना भी है करवाना भी है, मेरी वीडियो में भी तुमको एक ही मिनट वाला सॉल्यूशन भी चाहिए, 1 मिनट वाला सॉल्यूशन दो कि 1 मिनट में कैसे ठीक हो जाएगा, जो फोन करता है उसको 1 मिनट में ठीक चाहिए भाई, चाहे वायलेशन आया हो, चाहे अनओरिजिनल कंटेंट आया हो, चाहे कॉपीराइट क्लेम आया हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, पेआउट से लेकर कोई प्रॉब्लम हो, उसको 1 मिनट में ही ठीक चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही 12 महीने से ठीक नहीं कर पाया खुद, सारे यूट्यूबरों की जुगाड़ लगा भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अगर 5,000 सब्सक्राइबर है ना और कोई मेरी चाट रहा है, अगर मुझे फोन करके मेरे से बात कर रहा है, तो पूरी दुनिया घूम कर आया है, वो पूरा रेट लिस्ट लेकर आया है, उसके बाद मेरे पास आया, मैं इतना तो मुझे भी समझ में आता है भाई, 34-35 मेरी एज है, बेवकूफ़ हूँ नहीं, 12-14 साल से फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देता ही हूँ टेक सपोर्ट, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि वो बंदा जो आया हुआ है ना मेरे पास, वो बहुत ज्ञानी है, उसने सब हर घाट का पानी जब वो पी चुका, तब उसको लगा कि अरे इसके 5,000 सब्सक्राइबर हैं, इसको कॉन्टेक्ट करो, ये जवाब देगा, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पैसा देना पड़ता है भाई, वो भी जानबूझ के लेता हूँ, लूंगा क्यों नहीं, कंसल्टेशन फीस है भाई, क्यों नहीं लिया जाए बताइए, आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, अपना समय दे भाई, चाहे उसको तुम कुछ भी समझो भाई, समय दे रहा हूँ आपको, आपका काम कर रहा हूँ, काम तो नहीं करता मैं, ठीक भी नहीं करता पहले बता दे रहा हूँ मैं, आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ, किस टाइप की वीडियो अपलोड करनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, और भी चीज़ें बताता हूँ, करना चाहिए कॉपी पेस्ट भी करना चाहिए, उसके तरीके होते हैं, अब ये मत बोल देना कोई कमेंट में आके कि भाई कॉपी पेस्ट अभी तुमने कहा था कॉपी पेस्ट करना चाहिए फिर करो नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए, लेकिन तरीके होते हैं भाई,
ऐसे ही नहीं बस उठे और कॉपी पेस्ट किसी की वीडियो उठाई और कर दी, फिर तो परेशान हो जाओगे, फिर तो बहुत इतने वायलेशन है कि पेज ही खत्म हो जाएगा, पेज ही खत्म हो जाएगा भाई साहब। और मैं एक चीज आप लोग को गिना देना चाहता हूँ, जिनको ये सब प्रॉब्लम आ रही है ना वायलेशन ये सब, तुम लोग का पेज खत्म है गुरु। अगर वहां से कोई रिपोर्ट आ जाती है, अच्छी रिपोर्ट अगर फेसबुक की तरफ से कोई आ जाती है तो वेरी गुड, नहीं आती है तो पेज खत्म है, कोई सुनता उनता नहीं फेसबुक में। जो तरीके बताए हैं उसको फॉलो करोगे शायद निवारण हो जाए। अच्छी तरह मेल लिख दोगे, अच्छी तरह अपनी बातों को सामने रखोगे फेसबुक के तरीके से, स्क्रीन शॉट्स लोगे, फालतू का इधर उधर की वीडियो देखकर ये डिलीट कर दो वो डिलीट कर दो यहाँ पे कर दो वो कर दो, एक बता रहा है कि एडमिन हटा के पता नहीं क्या नाम बदल दो पेज का तो ठीक हो जाएगा, तो भाई और हंसते चले जाओगे दलदल में घुस ही जाओगे और फिर आपका जो पेज है वो खत्म, सीधा फंडा है भाई, खत्म हो जाएगा पेज। नमस्कार, जय माता दी भाई, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और आप लोग देख रहे थे टिप्स एंड टॉप्स। और एक चीज बता दूं, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई जानकारी लेनी हो, कुछ भी लेना हो तो कंसल्टेशन फीस है मेरा, उसको पे करिए और मुझसे गाइड होइए, मुझसे बात करिए भाई, जो सवाल हो आपके मेरे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो वो भी पूछ सकते हैं। बट हाँ, मैं ठीक करने की कोई गारंटी नहीं देता, मैं ठीक करता ही नहीं, मैं तो बस आपसे बात कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, इस तरह वीडियो डालो उस तरह डालो, इस तरह ग्रो कर लो इस तरह ग्रो कर लो। फेसबुक यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, फेसबुक प्रोफाइल पे जो काम कर रहा है, जो पेज पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय माता दी।